गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12, बीइंग सेफ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लेसेस पर आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट सेफ्टी एट होम, सेफ्टी इन स्कूल, सेफ्टी एट द प्ले ग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी इन द मार्केट या शॉपिंग मॉल। यानी इस चैप्टर में हम किन किन प्लेसों की सेफ्टी के बारे में देखेंगे? होम, स्कूल, प्लेग्राउंड, रोड, मार्केट या शॉपिंग मॉल में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस चैप्टर में हम इसे देखेंगे। सेफ्टी मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म। आप सभी सुरक्षा से क्या समझते हैं? सुरक्षा का मतलब होता है हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपने आप को होने वाली हानि या नुकसान से बचा सकें। वी शुड टेक केयर आवर सेफ्टी। हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इफ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम सावधान नहीं होंगे, वी वे गेट हर्ट, तो हमें नुकसान या चोट लग सकती है। वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। हमें अपने माता पिता और शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। एंड ओबे देम, और उनकी बतों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दे वॉन्ट टू सी सेफ एंड हैप्पी, क्योंकि हमारे माता पिता और शिक्षक जो भी चीजें हमें बताते हैं वे हमारी भलाई के लिए होती है, क्योंकि यह हमें हमेशा ही खुश देखना चाहते हैं। Let us read and understand how we can keep ourselves safe various places। अब हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम विभिन्न प्लेसेस पर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सेफ्टी एट होम, हमें घर पर किन बातों का अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए? Do not play with sharp objects like knives, blade and scissors। आप सभी को नुकीली चीजों से नहीं खेलना चाहिए जैसे चाकू, ब्लेड या सीजर। क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि जब आप इस तरह की चीजों से खेलते हैं तो आपका हाथ कट सकता है, आपको चोट लग सकती है। Do not play with matchstick या fire। हमें माचिस की तीली या आग से नहीं खेलना चाहिए। Do not run on stairs। हमें सीढ़ियों पर दौड़ के न चलना चाहिए, ना उतरना चाहिए। सीढ़ियों पर हमेशा ही आराम से चलना और उतरना चाहिए। Do not touch a hot iron या electric sockets। आप सभी को गर्म प्रेस या बिजली के सॉकेट को हाथ से नहीं छूना चाहिए। आप सभी को कभी भी घर की छत पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। सेफ्टी इन स्कूल, अब हम देखेंगे कि स्कूल में आपको अपनी सुरक्षा के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट गेट ऑन या ऑफ अ मूविंग बस। चलते हुए बस से ना तो कभी चढ़ना चाहिए और ना उतरना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप सभी को चलती हुई बस से विंडो से ना अपने सर और हाथ को बाहर अंदर नहीं करना चाहिए, ना ही बस में लगे जो अंदर स्विच होती है उसे ऑन ऑफ करना चाहिए। डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क या विंडो। आपके स्कूल में जो डेस्क या बेंच होती है और इसके साथ ही साथ डोर और विंडो, यानी हमें बेंच और विंडो पर झूला नहीं झूलना चाहिए, इससे आप सभी को चोट लग सकती है। Do not fight with other kids। दूसरे बच्चों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। Do not talk to strangers। जो व्यक्ति यानी जिन व्यक्तियों को आप नहीं जानते, यानी अपरिचित व्यक्तियों से आपको बात नहीं करनी चाहिए। Never run in the corridors। स्कूल में जो क्लास के बाहर कॉरिडोर्स होते हैं उस पर आपको नहीं दौड़ना चाहिए। Do not throw things at each other in the class। और क्लास में आप सभी को एक दूसरे के
बातों का ध्यान रखना चाहिए। इफ यू आर विद एन एल्डर होल्ड हिज या हर हैंड, जब भी आप सड़क पर जाते हैं तो हमेशा आपको अपने बड़े के साथ जाना चाहिए, बड़े भाई बहन या अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए और हमेशा ही उनके हाथों को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। Always cross the road at the zebra crossing when no vehicle is coming. और हमेशा ही सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस करना चाहिए जब कोई भी व्हीकल आपको आता हुआ ना दिखाई दे। Walk on the footpath या the right side of the road so that you can see oncoming traffic. आप सभी को फुटपाथ पर चलना चाहिए, सड़क के दाहिनी तरफ से चलना चाहिए ताकि सामने से आता हुआ ट्रैफिक आपको साफ दिखाई दे। Do not run या play on the road. सड़क पर कभी भी दौड़ कर क्रॉस नहीं करना चाहिए, ना ही हमें सड़क पर खेलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए। सेफ्टी इन द मार्केट या शॉपिंग मॉल, अब हम देखेंगे कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग मॉल या मार्केट में जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट यूज एन स्लेडर अलोन, स्लेडर का यूज कभी भी आप सभी को अकेले नहीं करना चाहिए, अपने एल्डर्स या पेरेंट्स के साथ करना चाहिए। डू